नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। अभी नमो तस्स बोलते रहिए, अपना अपना पानी देते रहिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 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 भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स नमो तस्स 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 भगवतो अरहतो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स नमो 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 तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स
नमो दश भगवतो अरहतो ओकाशा भन्ते द्वारतेना हतं सर्वं अपराधं क्षमाता मे भन्ते सांगो अनुकंपा उपादाया सांस पे ध्यान देते हैं कि मैं सांस कैसे ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जिंदगी में कभी सांस पे ध्यान नहीं देते हैं जब तक हम लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। और जैसे जैसे देखिए अभी बहुत जन का शायद मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, घर में यहाँ पर पूजा में करने वाले में, कोई बात नहीं, होता है, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हम उस मन को, उस बंदर को वापस लाने का एक ही तरीका है कि हम लोग ज़ोर से सांस लेके फिर उसको छोड़ के फिर वापस शुरू करने से ऐसे करते 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 धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। सांस को ध्यान देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो कभी जिंदगी में सांस के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप अभी ध्यान देने से आपको मालूम होगा कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। जब मैं सांस को लेता हूँ तो नाक के छेद में देखता हूँ तो हल्का सा ठंडा हवा पैर मिलेगा, और जब मैं सांस को छोड़ता हूँ तो गर्म हवा इसके साथ साथ एक जैसा सांस तो आइए हम इस वक्त बात करते हैं कि यहाँ पर जो वाटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो उसके बारे में हम जानेंगे, और यहाँ के जितने भी बुद्धिस्ट जितने भी सदस्य हैं उनसे हम जानेंगे कि वाटर फेस्टिवल और ये नए साल किस हिसाब से मनाया जाता है और क्या इनका उद्देश्य है आगे बुद्धिज्म को लेके। सर आप अपना नाम बताइए। राजेश कुमार। सर आप बताना चाहेंगे कि आज का दिन जो इतना उत्सुक आप लोग मनाते हैं ये किस आधार पर आप लोग का है और बुद्धिज्म का क्या उद्देश्य है? ये जो है एक नए साल का आगाज है, हमारा नया साल शुरुआत हो रहा है यहाँ से, तो हम लोग नए दिन का शुरुआत के लिए जो है वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है। ज़्यादातर जो है मंगोल्स एरिया में मनाया जाता है, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट में तो कम है, लेकिन मंगोल क्षेत्र जितने भी है जैसे थाईलैंड है, बर्मा है, वहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है वाटर फेस्टिवल, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इससे इस समय इसमें जो है हम लोग पानी में जो है परफ्यूम मिलाते हैं, कलर का यूज़ नहीं करते, परफ्यूम मिलाकर सुगंध मिलाकर सभी के शरीर में डालते हैं ताकि प्यार हमारा सुगंध की तरह फैलते रहे, सारी जगह में फैले,
और नए साल जो है हमारे लिए इसी तरह सुगंधित रहे, सबके जीवन में सुखमय हो, इसीलिए हम मनाते हैं इस नया साल। इससे पहले आज तक अंडमान में कभी इतने जोर शोर से ये उत्सव यहाँ पर किया नहीं गया था, और अभी इतने काफी टाइम बाद मैं देख पा रहा हूँ कि काफी भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसमें तो हमारे जितने भी लोग हैं जी, उन पर ये जाता है क्योंकि उन्होंने जो है इतने लोगों को संगठित किया है, क्योंकि यदि बर्मीस की तरफ से जाए तो हमारे पास मुट्ठी भर आदमी है जो कर नहीं सकते हैं, तो इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, महाराष्ट्रन ग्रुप भी है, अब ये सब मिलके जो है हमारे मंदिर को जो है और भी अच्छा और अच्छा से फेस्टिवल करने के लिए, मनाने के लिए जो तैयार हुए हैं, और आने वाले समय में शायद इससे भी ज्यादा धूमधाम हो जी। धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शिवा प्रसाद बरुआ है। सर, आज आपने यहाँ पर बहुत काफी अच्छे तरीके से पूजा पाठ की और काफी सदस्य आए आपके, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या आप बोलना चाहेंगे? कुछ कहने से पहले सर्वप्रथम मैं भगवान बुद्ध को, उनके धम्म और संघा को नमन करते हुए मैं इस शांखेन जो कि वाटर फेस्टिवल है की ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ जितने भी उपस्थित उपासक उपासिका है उनको देता हूँ। ये जैसे अभी मिस्टर राजेश ने बोला है कि ये खास करके मंगोलिया, थाईलैंड, बर्मा में होता है, लेकिन चूंकि मैं अरुणाचल में रहता हूँ तो मुझे मालूम है कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल ये जो वाटर फेस्टिवल जिसे हम सांखेन कहते हैं वहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग आसाम से भी आते हैं इस पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा खुशी का और नए साल के उपलक्ष्य में ये मनाते हैं। इसमें पानी में सुगंधित, ये सुगंधित सिंबल होता है कि हम अपने बुद्धिज्म के सुगंध को, बुद्धिज्म के सारे अच्छे गुण को सुगंध के रूप में पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाया था कि हमारे देश में शांति, अमन चैन, शांति बना रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। आइए हम एक हमारे साथ एक प्योर बर्मीज बुद्धिस्ट खड़े, तो उनसे भी हम जानेंगे, तो उनका क्या विचार है? फुटू, मेरा नाम फुटू जी, आप बताइए सर। चुनाव नाम है फुटू, जिन नृत्य को तीन जान लग नहीं रहे, ये अकाउंट लाउन है जिन्हें तीन जान, मैं वहाँ तीन जान माँ बोलेगा ना, तीन जा तीन जा पाली है, तीन जा भी पाली है। धन्यवाद। इस वक्त हम बात करेंगे महाबोधि ट्रस्ट फाउंडेशन के, तो इस वक्त हम बात करेंगे महाबोधि ट्रस्ट के एक मेंबर और जो कि काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इस जगह पे, तो उनसे भी हम जानेंगे इस शुभ अवसर पे वो क्या कहना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं भगवान बुद्ध को नमो बधाई करता हूँ, नमस्कार। और ये भी है, यहाँ पर जो आज पर्व हो रहा है वाटर फेस्टिवल, ये नए साल की आगाज के लिए हो रहा है, और हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारा साल नया न्यू ईयर के लिए, न्यू ईयर में हम भगवान बुद्ध के से भगवान बुद्ध के नमन करते हैं। हाँ, नमन करते हुए हम अपने नए साल की शुरुआत करते हैं जी। तो आज साथ ही साथ अंबेडकर जी को भी जो, हाँ, आज अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन है और इसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं जी। और आज के दिन, ये आज का दिन हमारे लिए मोस्ट मराठियों के लिए जी, मराठी बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, और इसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहीं पर भी अभी अंबेडकर हॉल में हम लोग मना के आए हैं जी, और महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से होता है जी। तो आज आप इस जगह पे मेमियो में आके आप ये सारे उत्सव देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो देखा जाए तो ये मेरे लिए भी एक वाटर फेस्टिवल बहुत नया है जी। मैंने कभी एक्चुअली मैंने वीडियो में यूट्यूब में देखा था कि वाटर फेस्टिवल है, बुद्ध भगवान का मंगोलियंस कंट्री में मनाया जाता है, पर इसकी जो शुरुआत मैं यहाँ आकर के मैंने की है, और मुझे तो रियली रियली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वाटर फेस्टिवल, तो और मुझे लगता है सभी को अच्छा लगेगा ये। तो अभी इसके बाद आप आगे अभी और भी खेला जाएगा? हाँ, अभी तो मैंने खेला नहीं है लेकिन जब खेलूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली ये लोग कहते हैं कि ये वाटर परफ्यूम वाटर होता है, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला जाता है, परफ्यूम वाटर होता है, और ये बॉडी को शुद्धिकरण के लिए होता है जी।
इसलिए ये वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। ठीक ना, तो हमारे साथ मिस्टर काकड़े जी जुड़े हुए, तो उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि में अंडमान निकोबार के आज हम लोग एक नया साल का पर्व मनाने जा रहे हैं। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी 133वें है। इस देश में युद्ध चाहिए या बुद्ध चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में भगवान गौतम बुद्ध की 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा दी और हम लोग सब इस धम्म का पालन करते हुए आगे जा रहे हैं। अंडमान निकोबार इस पवित्र बर्मिस मिशन का ये जो मंदिर है, ये मंदिर आगे चलकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर ऐतिहासिक स्तूप बढ़ेगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और जो नई कमेटी बन रही है सुनीता मैडम के अध्यक्षता में, उसको हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और आज का ये होली, जिस तरह से होली होती है, आज हमें एक नया एक उपक्रम मिला है बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वाटर में परफ्यूम मिला के जो नया एक त्योहार मिला है, ये अगले साल हम महाराष्ट्र में फैलाएंगे कि ये 14 अप्रैल के दिन हर जगह होना चाहिए। बहुत 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 शुक्रिया। जय हिंद। तो आइए हम सुनीता जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हमारा बुद्धिस्ट का न्यू ईयर के साथ में एक वाटर फेस्टिवल भी होता है जो कि हर नए साल के आगाज होता है। इसमें हम बड़े खुशी से मनाते हैं और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि कई सालों बाद ऐसे मिलके हम सब मना रहे हैं। और सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि कुछ हमारे नए साथी जुड़े हैं जो कि महाराष्ट्र मंडल के हैं और हमारे साथ काफ़ी अच्छा उनका तालमेल बना है। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलके साथ बुद्धिज़्म को आगे ले जाएं और इस मंदिर के लिए हम कुछ बड़ा सोचें, बड़ा करें और साथ मिलके करें। और इस खुशी में मैं आपको सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आप काफ़ी समय से आप जो है बुद्धिस्ट की पोंगीचाओ मंदिर के लिए लड़ाई कर रही है, उनका मतलब जो भी लीगल एक्टिविटीज रोकने के लिए जितने भी, आज आप काफ़ी समय बाद इतने सारे लोगों को यहाँ देख के आपको कैसा लग रहा है और आगे आप कैसे लोगों को जो है मोटिवेट करो कि वो बुद्धिज्म पे, हाँ, उनका बुद्धिस्ट के रास्ते पे, गौतम बुद्ध के रास्ते पे चले। जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैं कई वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ रही हूँ और हमारे साथ कई जो साथी हैं वो जुड़े हुए हैं ताकि हमें जिस तरीके से आप अभी मेमियों को आप, मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार हमारी पूरे बुद्धिस्ट जितने लोग हैं उनको दिखाए और हमारे यहाँ जो भी फेस्टिवल्स होते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरी बात ये, जो पोंगीचाओ में जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है, मुझे लगता है कि वहाँ पे वो ट्रेडिशन का चीज़ें नहीं हो रही है। और जहाँ तक इनलीगल एक्टिविटीज़ की लड़ाई है, ये तो जब तक हमारी जीत नहीं होगी तब तक मैं बुद्धिज़्म के लिए लड़ती रहूँगी, अपने मंदिर के लिए आखिरी दम तक लड़ती रहूँगी। ये पिछले वीडियो पे भी मैंने ये बात कही है, आज भी यही बात कह रही हूँ, क्योंकि आगे भी हमें बुद्धिज़्म को आगे ले जाना है। हर किसी को अपने धर्म जाति से होता है, हमें किसी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई आपत्ति नहीं है, बट जब हमारा बुद्धिज़्म आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों को सबको साथ होना चाहिए। मैं अपने सारे बुद्धिस्ट भाई बहनों से ये कहना चाहते हैं कि आओ साथ मिले, साथ चलें, क्योंकि ये बुद्धिस्ट एक ऐसी शांति का मार्ग है कि इसमें चलते हुए गौतम बुद्ध ने बहुत कुछ शांति की और सब प्राप्ति की है। तो हमें सबको साथ लेके चलना है और हमें अपनी जीत हासिल करनी है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सभी के सुखी के लिए, सभी की समृद्धि के लिए मैं कामना करता हूँ। दीपवासी के लिए सभी का दिन शुभ गुजरे। आज बाबा साहब के 133वां जन्मदिवस पर यहाँ बुद्धिस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल यानी वाटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ जी। एक बुद्धिज्म एक धम है, वो धम को स्वीकार करके उनका बनाया वाला बोला वाला जो ये है उनको पालन करने से अपने आप सब दुनिया हल हो जाता है, सब कुछ दुनिया एक साथ हो जाता है। तो यही सोच करके अभी न्यू ईयर बनाया जा रहा है। इधर का बुद्धिज्म में जो लोग आए हैं सबको मेरी तरफ से और अम्बेडकर कल्चरल एसोसिएशन गोलघर की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और सारे दीपवासियों को
बाबा साहेब का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, इसीलिए मनाते हैं। दलित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, नॉट ओनली दलित पीड़ित वंचित, सभी के लिए एक अच्छा काम किया था उनके लिए, उनके बनाए रास्ते पे, क्योंकि क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, बुद्धिज्म को अपना के अपना ये दिखाया, तो हम भी वही रास्ते पे चले आगे सबका। ये यही यही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद।